Hello everyone, you are watching Is to Learn English Spoken channel and I'm your trainer Bablu. So today we'll talk about how to formally talk over the phone. आज हम बात करेंगे कि formally अगर formal बातें हमें करनी है तो फोन के ऊपर किस तरीके से वो हमें करनी है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल फोन के थ्रू इंटरव्यू भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू. आई होप आपने दिया होगा या इनकमिंग टाइम आप भी देंगे. सो हम बात करेंगे फोन पे अगर हमें फॉर्मली बातचीत करनी है तो वो किस तरीके से करनी है. सीधी सादी बातें होती हैं. सो मान लीजिए अगर किसी की कॉल आपके पास है और आप रिसीव करते हो, सबसे पहले उठाते बोलिए अपने बारे में बताइए, बबलू स्पीकिंग. उसके बाद पूछ लीजिए मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं. मीन्स आपने मुझे कॉल किया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए. सो बात करेंगे बबलू स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू. या फिर पूछ सकते हैं आप कौन कॉल कर रहे हैं, हूज कॉलिंग प्लीज. कौन बोल रहा है, हूज स्पीकिंग. कहां से बोल रहे हो, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम. तो बात करेंगे बबलू स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, हूज कॉलिंग प्लीज, हूज स्पीकिंग. या फिर बात करेंगे वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम. इनमें से एक ऑप्शन लेना, कहीं आप लगातार सभी को बोल दो और सामने वाला कंफ्यूज हो जाए. सो जैसे आपने पूछ लिया उसके बाद आपको फील हुआ कहीं ना कहीं गलत नंबर लग गया है. सो उस कंडीशन में मान लीजिए मैं बबलू बोल रहा हूँ, सुनील की बात कर रहा है, या फिर मान लीजिए उसने ऐसी जगह से बोला जहां से मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा नियर एंड डियर है ही नहीं. सो उस कंडीशन में बोलूंगा कि आप श्योर है आपने सही व्यक्ति को फोन मिलाया है. सो बात करेंगे आर यू श्योर यू हैव द राइट नेम, या फिर आपके पास सही नंबर है, आर यू श्योर यू हैव द राइट नंबर. अब मान लीजिए कहीं ना कहीं उसने बता दिया कि मैंने सुनील के पास मिलाया है और नंबर ये है, नंबर सही था बट उसने बोला सुनील के पास मिलाया है और मैं तो बबलू बोल रहा हूं. सो उस कंडीशन में बोलेंगे आई एम अफ्रेड यू हैव डायल्ड रॉन्ग नंबर. बता देंगे कि मुझे लगता है आपने गलत नंबर मिलाया है. सो बात करेंगे आई एम अफ्रेड यू हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, या आपके पास जो नंबर है वो रॉन्ग नंबर. नंबर तो मेरा ही है बट हो सकता है किसी वजह से गलत है आपके पास. आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, आपने जो नंबर रखा है, जो आपके पास नंबर है वो रॉन्ग है. वो नहीं नहीं मैंने सुनील के पास ही मिलाया है. अब उस कंडीशन में मैं ये भी बोल सकता हूं आई एम अफ्रेड दैट देयर इज नोबडी हियर बाय दैट नेम, कि सुनील नाम का कोई व्यक्ति हमारे पास है ही नहीं. या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं सॉरी वी डोंट हैव मिस्टर सुनील, हमारे पास जो है मिस्टर सुनील नहीं है. अब मान लीजिए कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बबलू है बट उसने सुनील के पास मिलाया, सुनील आपके ही ऑफिस में है. सब उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ मिलानी पड़ेगी उस व्यक्ति की लाइन जिसने आपको बात किया. तो उसको लाइन पे लेने के लिए अब आप क्या करेंगे, सुनील को लाइन पे लेना चाहते हैं तो उसको होल्ड तो करवाना पड़ेगा, इंतजार करवाना पड़ेगा. और इंतजार करवाने के लिए इस व्यक्ति को आप बोल सकते हो होल्ड द लाइन प्लीज, इंतजार कीजिए. या क्या आप इंतजार कर सकते हैं कुड यू होल्ड ऑन प्लीज, या फिर एक मिनट जस्ट अ मोमेंट. यस मोमेंट वैसे एक मिनट से ज्यादा और कम भी हो सकता है बट बोला जाता है जस्ट अ मोमेंट. अब क्या हुआ कि उधर आपने सुनील से संपर्क करना चाहा बट उधर से बिजी आ रहा है. अब दोबारा जब आप इसके पास जाएंगे तो बोलना पड़ेगा यहाँ पे थैंक्स या थैंक यू फॉर होल्डिंग, आपका धन्यवाद इंतजार करने के लिए. अब बता दीजिए कि सुनील बिजी है. सो बात करेंगे I'm afraid the line is engaged. जो लाइन है वो बिजी है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं. सो बात करेंगे Could you call back later? क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं. या सुनील मीटिंग में था तो आप बोल सकते हो I'm afraid he is in meeting at the moment. अभी वो मीटिंग में है. या फिर माफ कीजिएगा वो ऑफिस में नहीं है. सो बात करेंगे Sorry, he is out of the office. वो ऑफिस में नहीं है. अब जैसे ही आपने ये बोला हो सकता है सामने वाला बोल दे क्या मैं मैसेज छोड़ सकता हूं, कुड आई लीव मैसेज. या आप पूछ लीजिए, हाँ ऑब्वियसली हम भी उसको रिस्पेक्ट देते हुए पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू लीव मैसेज, क्या आप संदेश छोड़ना चाहेंगे. अब हो सकता है वो कहीं ना कहीं बोल दे क्या आप उनको बता देंगे कि मैंने कॉल किया था. कुड यू टेल हिम, क्या बताएं कि मैंने कॉल किया था. सो कुड यू टेल हिम दैट आई कॉल्ड, या फिर क्या आप उन्हें बोल देंगे कि वो मुझे कॉल करें. सो बात करेंगे कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक, क्या बोल देंगे कि वो मुझे कॉल करे. सो इस तरीके से आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं कि क्या बोल देंगे कि वो मुझे कॉल करे. या फिर उससे उसका नाम भी तो पूछ लीजिए. मान लीजिए उसने मुझे कॉल किया, बबलू हूं और मुझे बात सुनील से करवानी, तो मेरा नाम भी पूछ सकता है दोबारा. हो सकता है स्टार्टिंग में उसने सुनने में ध्यान ना दिया हो. सो बात कर सकता है. सो बोलेगा कुड यू गिव योर नेम प्लीज. सो मैंने अपना नाम बता दिया, माई नेम इज बबलू. सो उसको समझ में नहीं आया तो उसने बोला Could you spell this please? क्या आप इसको स्पेल करेंगे. स्पेल करने का मतलब मुझे एक एक अल्फाबेट बताना है, बी
Bablu. So इस तरीके से मैं उसको बता सकता हूं. ये आपको तब करना है जब आपके पास कॉल आए. अब कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कॉल आए, आप भी तो कॉल करते हैं. और जैसे आप किसी को कॉल करें तो कॉल करते अपने बारे में बताइए और बोलिए कि मैं बबलू बोल रहा हूं, दिस इज बबलू स्पीकिंग, मैं जो है बबलू बोल रहा हूं. अब मान लीजिए आपने बातचीत करनी थी करण सर के साथ, सो आपने बोला दिस इज बबलू स्पीकिंग, कुड आई टॉक टू करण सर, क्या मैं करण सर से बातचीत कर सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, आई वुड लाइक टू स्पीक टू करण सर, मैं करण सर से बात करना चाहूंगा. और फिर बता भी दीजिए आप बोल कहां से रहे हैं, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. अगर थोड़ा सा डिटेल दे तो बोल दीजिए आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं. अब मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि आप करण सर के पास कॉल करें, अब उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बबलू, मैं मिस्टर बबलू के बिहाफ पे उनकी तरफ से बातचीत कर रहा हूं. सो इस तरीके से आप बात करेंगे फॉर्मली टॉक जब भी आप फोन के ऊपर करना चाहें. सो ये आपका वे रहेगा बातचीत करने का. यस सो आई होप पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एडवांस इंग्लिश सीख चुके हैं, सो ये आपके लिए एक नॉर्मल बात होने वाली है. हाँ नॉर्मल बात होने वाली, दैट्स अ फाइन थिंग, ये आपका प्लस पॉइंट है. बट उनके लिए भी तो है ना जो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्लस पॉइंट होने वाला है. सो आप इस तरीके से बात करेंगे इनकमिंग टाइम जब भी आप फोन पे बातचीत करेंगे. फोन पे बातचीत करते वक्त ध्यान रखना तीन पॉइंट का जो मैंने पहले ही बताए थे आपको स्टार्टिंग में ही, बी पोलाइट, बी ब्रीफ, बी क्लियर, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है. सो आई होप हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब भी आप फोन पे बातचीत करेंगे. और आपको जरूर बताना है कमेंट में लिख के कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मींस ये क्लास आपको कैसी लगी. अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और डिसलाइक करना मत भूलिएगा. मींस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा क्लास तो आप बात वहां पे डिसलाइक ही कर सकते हो. तो कोई ना कोई बटन जरूर दबाइएगा जिससे मुझे पता लगेगा अगर डिसलाइक करते हो तो क्या कमी रहेगी और लाइक करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, have a nice time.